हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय इन अदर व्लॉग। दोस्तों कल का आपको व्लॉग दिखाया था, आज आपको फिर मैं आया हूँ डेजर्ट में। तो डेजर्ट में आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आगे कुआं है और कुएं पे ना जानवर पानी पी रहे हैं। आज भी मौसम था ज़बरदस्त लगा हुआ है। तो सोचा भाई कल का जो व्लॉग आपको दिखाया उसमें वो सारा जो थर का नज़ारा था आपको दिखाया, और आज भी ना थर का एक ज़बरदस्त नज़ारा है वो आपको दिखाने चले जा रहा है। तो जुड़े रहे हमारे साथ दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आपको मुनासिब लगे ना तो भाई ये जो डेजर्ट की नेचर लाइफ हम आपको दिखाते हैं तो हमारा सब्सक्राइब तो एक हक बनता है, फिर आपकी मर्ज़ी करें या ना करें। तो देखें दोस्तों यहाँ पे है कुआँ, यहाँ पे भी जानवर हैं, बैठते हैं दिन को पानी वगैरह पी के यहाँ पे बैठते हैं। हाय हाय यार क्या मज़ा लगा पड़ा यहाँ पे, सुकून सुकून। ये देखें खूबसूरत जंगल थर का, ये कुआँ है, यहाँ पे ना जानवर पानी पीते हैं। जानवर यहाँ पे ना पानी पी के फिर यहाँ पे बैठ जाते हैं, रुकते हैं। ये देखें हरे भरे सारे से मंजर हो गए ज़बरदस्त, ये आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये है कुआँ, कुआँ मतलब ये जो दो ऐसे लकड़ियाँ लगाते हैं, एक इस साइड पे एक इस साइड पे लकड़ी लगा के फिर एक वो लकड़ी लगाते हैं, और इसको यहाँ पे ना ये सरिया बीच में लगा के ये जो व्हील लगा हुआ पड़ा है ना आपको ऊपर देख सकते हैं व्हील, इसको भौन बोलते हैं हमारे गांव की ज़बान में, भौन बोलते हैं भौन। उसके ऊपर ये रस्सी जो है ना, ये रस्सी डाल के, ये रस्सी जो है ना, ये रस्सी भी कोई आर्टिफिशियल रस्सी नहीं है, ये रस्सा जो है ना ये भी थर के लोग खुद बनाते हैं। मतलब जो भीड़ के जो पशम होती है, भीड़ के जो बाल होते हैं जैसे, या और यहाँ पर एक दरखत होता है खिप, उससे भी ये बनाते हैं। खैर इसमें से भौन के ऊपर ये रस्सा लगा हुआ है, और ये जो है ना एक गैलन बांध के इसके अंदर इसे खींच के पानी निकालते हैं। इससे इसको मैंने खींचा है, मैं आपको सिर्फ दिखाता हूँ क्योंकि पानी ये एक मुझे एक से नहीं निकलेगा। ये देखें ये इस तरफ जाएगा नीचे, बहुत नीचे है। मैं अगर थोड़ा सा ना ऐसे ऐसे करूँगा तो मेरा मोबाइल अंदर गिर सकता है। तो फिर इसको ऐसे घुमाते हैं, घुमा के इस तरफ ले जाएंगे, लेना ले के जाना पड़ेगा इतना ना, क्योंकि भाई ये तो कुआँ अभी मिसाल से यहाँ तक है मेरे ख्याल में ये 60 फुट तक है, लेकिन ऐसे जो कुएँ हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। ओ यार अब तो फंस गया, अब इसको ना यहाँ पे पाँव रख रख के रस्सी पे अब इसको हम निकालेंगे, क्योंकि ये हमने गलती कर दी, अब ये चला जाएगा अंदर। अब इसको पकड़ के यहाँ से पकड़ के इसको जैसे जहाँ पे था वहाँ पे रखते हैं। ये देखें दोस्तों बकरे यहाँ पे पानी पी रहे हैं, इसको आवाड़ा बोलते हैं। ऊँट भेड़ बकरियाँ भैंसें वगैरह यहाँ पे पानी पीते हैं, इसको आवाड़ा बोलते हैं। और एक ऐसे भी जानवर होते हैं ना जो नखरे करते हैं भाई, उसको ना इस बड़े तगारे में पानी पिलाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बकरियाँ आ जाएँ आपको सिर्फ बकरियों का भी झटका आते हैं। ये देखें बकरियाँ सारी पानी पी के ना यहाँ सुकून से बैठी हुई है। और यार क्या ज़बरदस्त मौसम लगा हुआ है और ज़बरदस्त माहौल है। ये देखें बड़े बड़े दरख्त और उस तरफ गायें गायें हैं, ये बकरियां सारी यहाँ पे बैठी हुई हैं। और ये भी छोटे से ना एक इस तरह से ये जो एक ड्रम होता है पानी का इसमें लगा के अंदर रख देते हैं, इसमें भूसा वगैरह जो होता है चूना या भूसा वो इसमें भिगो के भिगोने के लिए यहाँ पर रखते हैं। ये भेड़ अभी जंगल से चारा चर के आई है, सुकून से बैठी है, ये बकरियाँ जो यहाँ पे पानी पी रहे हैं। मुझे बहुत यार पसीना आ रहा है क्योंकि ना ये डेजर्ट है, आज थोड़ी सी ना है सूरज तो इतना नहीं निकला हुआ है लेकिन धूप है ना बहुत ज़्यादा धूप है। तो थोड़ा सा चलते हैं आगे, आपको और भी थर का जितना व्यूज दिखाते हैं। जुड़े रहे दोस्तों हमारे साथ। दोस्तों आप मुझे ना मेरे वीडियो वॉच करते हैं लेकिन आप मुझे सब्सक्राइब कर पता नहीं क्यों नहीं करते, तो अगर मुनासिब समझे तो सब्सक्राइब कर लिया करें, ऐसे भी सब्सक्राइब करने में कोई खर्च तो नहीं है ना। आ जाए इस तरफ चले यार, यहाँ से भी वो थरकुल रोड है वो नजदीक, ये अक का पौधा है देवी का दर, ये तो मैं अक्सर आपको दिखाता रहता हूँ ये अक है। तो चलते हैं आगे और भी आपको ना कुछ व्यूज़ दिखाते हैं थर के। दोस्तों यहाँ पे भी ना गायें जो है वो यहाँ की हुई है, तो एक छोटा सा केल फार्म बोलते हैं उसको, या हम तो गांव की ज़बान में गाय का वाड़ा बोलते हैं। तो यहाँ पे अभी एक गाय का वाड़ा है,
तो आपको दिखाते हैं, चलते हैं इसके अंदर। ये सामने से गाय का वाड़ा है, यहाँ पे भी लोग मतलब ऐसे अपने जानवरों के साथ रहते हैं। बाहर की साइड में ना वहाँ पे एक गाय बैठी है, और ये झोपड़ा जो बना है, ये जो इसको हम हमारी जबान में प्याह बोलते हैं, ये प्यो इसके ऊपर ना, ये रात के टाइम जो चरवाहे हैं वो सोते हैं, और चरवाहों के जो सामान वगैरह यह सारा पड़ा है, ये मटके शटके देगचियाँ वगैरह, खाना पकाना पकाना सब कुछ यहाँ पे सिस्टम होता है। और यहाँ पे भी एक झुग्गी बनी हुई है, लेकिन अब बंद पड़ी। इसके अंदर ये जो चारा पड़ा है माल के लिए, वो सारा इसके अंदर पड़ा है। और ये इसको भी लकड़ी का दरवाज़ा बना हुआ है इसके बाहर, इसके ऊपर प्लस छापर दी हुई था, ताकि वो बरसा बरसा महीनों का जो चारा पड़ा है वो ख़राब ना हो। उसके लिए यहाँ पे ना छापर छापर डाल के ऐसे रख दिए। खैर वैसे भी यहाँ पे ना कोई डकैती वगैरह चोरी वगैरह नहीं करता है, तो सामान सारा ऐसे खुला पड़ा होता है, क्योंकि सारा इलाका ही मतलब ये इलाका है ना, वो सारा इलाका है, तो यहाँ पर डकैती वगैरह नहीं होती है, तो ये सामान अपना खुला चल के छोड़ के चले जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये अभी जो है जोत जो आग इसमें जल रही है, अभी शायद उन्होंने चाय वगैरह बनाई थी। और ये दरख्त, कुंभट का दरख्त, यहाँ पे जो है ना माल इनके जानवर जो है ना, वो रात के टाइम आके दिन के टाइम बैठते हैं। ये गायें देखें, ये गायें पता नहीं क्या करेंगी मुझे देखे, भाई डर तो लग रहा है। ये देखें, वाह वाह, ये गायें सारी यहाँ पे बैठी हुई है, ये भी गायें। क्या सर, क्या अगर थर के जो गायें होती हैं लड़ती भी बहुत है, ये देखें आप। और वो जो ना बैल है, अभी इसका जो चरवा है वो यहाँ पे नहीं है। अगर मैं अकेला हूँ तो मुझे ये गायें जो है ना पहचानती नहीं, अगर मैं इसके नज़दीक जाऊँ हो सकता है भाई मुझ पर हमला करें। वो देखें हमला करेंगी, क्योंकि थर के गायें ना ये बहुत हमला करती हैं। वो जो बैल खड़ा है ना, ढगा है उसको हम बोलते हैं, ये देखें भाई ये हमला करेंगी, तो मुझे ना थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, नहीं तो ये हमला करेंगे पीछे। भाई थर के गाय खतरनाक है, देखिए सारी हाई अलर्ट हो गई, मुझे देखे ना सारी गाय जो हाई अलर्ट हो गई पीछे से, वो भी मैं भागता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये मुझे अटैक करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये गेट है, यहाँ से चलते हैं बाहर। ये झुग्गी बनी हुई है, वहाँ पे मैंने बाइक खड़ी की सामने सामने, मुझे बार बार ना पीछे देखना पड़ेगा, क्योंकि पीछे गाय ना लगे हुए। सो चलते हैं भाई बाइक के तरफ, क्योंकि यहाँ पे कोई चरवाहा था ही नहीं, अगर चरवाहा इसके गांव के गाय के साथ होता ना, तो ये मुझ पर अटैक नहीं करती। वो किसी अननोन बंदे को देखते हैं ना, गायें तो अटैक करती हैं भाई, ऐसी गाय हैं थर की। सो अब बैठते हैं बाइक पे, चलते हैं आगे। आप दोस्तों यहाँ पे ना एक गरीब चाचा हैं मेरे साथ हैं, इनके ये सामने घर हैं, तो खाना बदल के नहीं गुजारते हैं, तो चलते हैं आपको दिखाते हैं। ये जो है ना, ये पट्टे में मजदूरी करते हैं, और मजदूरी करके ना फिर अब जो सीजन है बारिश होती है, पट्टे जो इंटू के पट्टे वो बंद है। तो अभी ये आ गए हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ये जो अपने सोने के लिए इसमें ये पैर बनाए हैं, ये यहाँ पे खड़ी है पड़ी है। और यहाँ पे ना जो चारपाई की नीचे बकरी बंधी हुई है, मतलब कि ऐसे धूप में रेत में ऐसे ही ज़िंदगी गुजारते हैं, और अपना बना के देखें ये यहाँ पे ना इस पे ऊपर रात को सोते हैं। मतलब अगर यहाँ पे जो साइड है ना, पहली साइड आप देख सकते हैं वो है गाँव में, एक बड़ा वहाँ में चोरे बने हुए, लेकिन इन लोगों के पास अभी तक चोरे नहीं, अभी न्यू आए हैं। काका कितना टाइम थे वहाँ आए नए थे, यही लगे थे इस, ये चाचा बोला है उन्होंने, यहाँ पे आते हुए साल बन गया है, तकरीबन साल यहाँ पे लोग बैठे हैं। ये देखें कुकड़ियाँ, कुकड़ियाँ इसके अंदर बैठी हैं, ये देखें इनकी कुकड़ियाँ, और इस साइड पे ये चारपाई पड़ी है। अठ दिख रहा है ना, जैसे चाचा के आठ बजे के, ये अभी वो सारी साथ हैं मेरे ख्याल में, अठे ही थे घर भेड़ा हो, ऐसे वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, और एक झुपड़ा ये ऐसे बनाया है यहाँ पे। भाई ये होती है थर डेजर्ट की लाइफ, तो जो खातिन वगैरह वो यहाँ पर सारी बैठी हुई है, वो जो अपना वहाँ पे काम कर रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं लोगों के, ये कुकड़ियाँ देखिए
ये देखें दोस्तों क्या हाल ऐसा होता है भाई। ये देखें खाना बदोश लोगों की ज़िंदगी ऐसी होती है। ये ऐसे लकड़ी से झोपड़े बनाते हैं, झोपड़े बना के ना फिर उसमें बैठे, ये उनकी चारपाई है, चूल्हे हैं, बर्तन शर्तन ऐसे पड़े हैं। बाकी जो हर तरफ आप देखते हैं सारा क्या सारा जो डेजर्ट है, थल डेजर्ट। और यहाँ पे थरी वगैरह लगाई उसमें ना टार्च है, क्योंकि रात को यहाँ पे ना ऐसे जीत थर डेजर्ट है तो बहुत सांप वगैरह होते हैं, मलाएँ मलाएँ होती हैं, तो उसके लिए ना वो टार्च लाजमी होती है। यहाँ पड़ी है ये छोटे छोटे बच्चे आए थे। और ये इस साइड पे आप देख सकते हैं सारा रेगिस्तान रेगिस्तान है।